हेलो एंड वेलकम यार। बहुत दिनों से हम ऑनलाइन नहीं आए, ना गेम खेल ना कुछ किया। तो बड़ी आजकल एक सीन चल रहा है न्यू ट्रैक का, मैन के न्यू ट्रैक का। पता नहीं मैन है मान है, पता नहीं व्हाटएवर। तो क्यों ना आज हम उसको बाय करें यार, क्या ख्याल है? हमारे पास एक ट्रक है, ये वोल्वो का बड़ा क्यूट सा ट्रक है हमारे पास। लेकिन क्या ख्याल है कि हम अगर जाके ट्रक बाय करें? लेकिन मुझे पता है कि उससे पहले हमें अपना गैराज मैनेज करना है। गैराज में या तो हमें इसको बेचना पड़ेगा, इस वाले ट्रक को, या फिर हमें अपना गैराज न्यू या इसकी कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ये देखें, अब इसमें ये है कि हम अगर इसको अपग्रेड करेंगे तो बहुत सारे पैसे लगते हैं। वी वॉन्ट टू अपग्रेड 180,000। ओह ठीक, 1,80,000 पाउंड चाहिए हमें, यूरो चाहिए हमें इसको अपडेट करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए। तो क्या ख्याल है, इसको बेच के वो वाला ट्रक लें या के गैराज को? मेरा ख्याल है, पता क्या, इसको स्वाइप करते उसको बेच देते हैं। ठीक है, इसको बेच देते हैं फिर ले लेंगे, पैसे तो आ ही जाते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो हम स्ट्रेट वे जाते हैं आपके अपने ट्रक डीलर के पास। ठीक है, हम ट्रक डीलर पे, सबसे ऊपर हमारा वही जो है, आजकल न्यू अपडेट आई है, सब लोग इसका वेट भी कर रहे थे और लोगों ने बड़े वीडियोस भी पोस्ट किए इसकी, तो मैंने भी अभी देखा नहीं है। मैंने अपडेट तो कर लिया था। हम स्ट्रेट अवे जाते हैं अपने डीलर के पास, जो कि है जी ये देखें आप। देखें अब हमें कौन सा ट्रक चाहिए, TGX3 है मेरे ख्याल उसका नाम, ठीक है, जो कि इस अपडेट में आया है अभी, आई गेस ये वाला, आई गेस बिल्कुल यही है हमारा। ये है TGX GX, जो कि हम बिल्कुल परचेज कर सकते हैं, हम इन ट्रेड भी कर सकते हैं, हम अपना जो पुराना ट्रक है वो भी बेच सकते हैं। और इसका थोड़ा सा अंदर जाते हैं और व्यू, इनर व्यू देखते हैं। सबसे पहले तो मेरा जो फेवरेट पार्ट होता है वो इसका जो डैशबोर्ड, इसके जो कंट्रोल्स होते हैं वो होता है। तो लग तो बड़ा खूबसूरत रहा, मेरे ख्याल वेट नहीं ज़्यादा करना चाहिए, हमें ख़रीदना चाहिए और देखनी चाहिए। बाकी इसको थोड़ा सा अपग्रेड भी कर लेंगे और बाकी आहिस्ता आहिस्ता करता रहा करूँगा थोड़ा बहुत अपग्रेड। ट्रक तो बहुत ही तगड़ा है, सही किस्म का, फिट किस्म का, क्या ख्याल है? हम इसको इंट्रेड करें। ओके, डू यू वॉन्ट टू सेल योर करंट ट्रक फॉर 107? यस, योर ओल्ड ट्रक फॉर अ ब्रांड न्यू टी। ओके जी, लो जी, हमने ये वाला ट्रक बाय कर लिया। ट्रक इसके देखो, मुझे नहीं पता ये इसकी क्या स्पेशलिटीज है, ना मैंने इतना कुछ पढ़ा है इसके बारे में, देखा है बस। ये था न्यू अपडेट आई और इस न्यू अपडेट ने काफ़ी हलचल मचाई हुई थी, भाग दौड़ कर रहे थे उस सिचुएशन में। तो द थिंग इज कि अब हम इसको ट्राई ऑन करेंगे। ट्रक खूबसूरत लग रहा है और बस इसका ये जो उन्होंने वो डैमो शैमो दे रहे हैं अपना, वो क्या बोलते हैं इसको, ट्रक को ओवरव्यू दे रहे हैं उसका कि ये क्या खूबसूरत है। आई डोंट नो, मुझे कोई पता नहीं क्या पावर होगी इसकी, क्या इसकी वो सीन होगा सारा। तो सो फार ये ले जी, ये जी हमने अभी इसको परचेज कर लिया। इस ट्रक की अपडेट आई है नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका थोड़ा सा हम डैश बोर्ड की, थोड़ा सा हमारे फ्रेम की सेटिंग कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे बिल्कुल वो ऐसे फंसा सा फ्रेम पसंद नहीं आता, थोड़ा सा लाइक व्यू आना चाहिए प्रॉपर किस्म का। हालांकि कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आता ये वाला व्यू, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा और इसकी सीट एडजस्टमेंट करके देखते हैं। या अगर तो इसकी सीट एडजस्टमेंट बहुत बुरी हुई फजूल किस्म की, तो फिर तो मुझे बड़ा अफसोस होगा कि यार मैंने ये गलत चीज़ ली है। और थोड़ी सेटिंग करके देखते हैं, क्योंकि बाकी चीज़ों का हम बाद में करेंगे। मुझे नहीं पता ये मैं सही कर रहा हूँ या नहीं, बट मुझे ये पसंद है कि प्रॉपर आपका डैशबोर्ड वगैरह नज़र आना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ी सी इसकी जो सेटिंग्स हैं, थोड़ा सा इसका व्यू है, सीट एडजस्टमेंट करके देखते हैं थोड़ी मज़ीद, ठीक है। मिरर भी देखते हैं कि इसका क्या होता है। हाँ, इतना भी खास नहीं है, टेढ़ा सा मिरर है इसका, तो इसका कोई, उसकी जो शेप है उस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। और इसका क्या, आप सीट एडजस्टमेंट करके देखें, थोड़ा सा नीचे करें इसको सीट को, ताकि हम थोड़ा सा मज़ीद
ऑप्शन एक्सप्लोर करें, ठीक है। ये थोड़ा सा लाइक थोड़ा टाइडर फ्रेम लगे, मुझे नहीं पता ये टेक्निकली करेक्ट है या नहीं, आई डोंट केयर और आई डोंट माइंड इवन कि ये हो या ना हो, लेकिन मुझे ये पसंद है लाइक थोड़ा सा। अब जैसे नहीं देखिए स्टेयरिंग सा वो बिल्कुल छोटा सा नज़र आ रहा है, छोटू स्टेयरिंग नज़र आ रहा है, इसकी भी सेटिंग है थोड़ी सी, थोड़ा बड़ा कर सकते हैं हम इसको और थोड़ा ये कर लेते हैं, और आई डोंट नो जी, बहरहाल ठीक है बाद में देखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इसका इंटीरियर है हमारे ट्रक का, और है तो बढ़िया, लग तो अच्छा रहा है, आई डोंट नो कि कैसी इसकी परफॉर्मेंस होगी। अब फर्दर क्या करें, इसको थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं, क्या ख्याल है, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, साथ ही साथ थोड़ी सी चीज़ें ऐड कर लेते हैं। कलर मुझे भी इतना मज़े का लगा नहीं, लेकिन अभी रखेंगे थोड़े दिन तो, ताकि हम इसको, तो भाई लोगों को सब्र नहीं आता, फ़ोन पे फ़ोन किए जाते रहते हैं, ठीक है। तो हमने हमारा 640 HP का जो हमारा है इसका हॉर्स पावर है, तो अभी हम इसका क्या करें, इसको थोड़ा सा अपग्रेड कर लेते हैं, क्या ख्याल है। ओके हमें थोड़ा सा अब इसको अपग्रेड करना, क्योंकि ट्रक अपना मैं ड्राइव कर सकता हूँ, थोड़ा अपग्रेड कर लेते हैं, छोटी सी राइड भी लेके चेक करेंगे, उसके बाद फिर प्रॉपर इसके इसके साथ हम लाइव आएंगे पूरे गेम प्ले में। तो लेट्स सी, साउंड तो हैवी है, यहाँ जाके हम थोड़ी सी इसकी मॉडिफिकेशन कर लेते हैं आई गेस। ओके ये ले जी, थोड़ा इसको रिपेयर तो नहीं, खैर मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी इसकी बत्तियाँ छत्तियाँ लगानी चाहिए हमें, और बहुत कुछ है मॉडिफाई करने के लिए, आई डोंट नो कि इम्पोर्टेंट कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। ये है क्या, ये पता नहीं क्या अजीब सा है, पर हमें चाहिए नहीं ये। करते हैं ओके, ये बिल्कुल नहीं चाहिए हमें, ये क्या है, ये लाइट है, क्या है, लाइट लगानी चाहिए हमें, लाइट इसकी बहुत सारी किस्म की है, ये क्या लिखा हुआ है, तो लाइट वो जो ये वाली लाइट अच्छी है या ये वाली लाइट अच्छी है ऊपर वाली, आई डोंट नो, चलो फिर लगा लेते हैं फिलहाल, बाद में देख लेंगे। एक ये तो हो गया, ये क्या, ओके हॉर्न है, ये क्या हॉर्न है, ओके हम थोड़ा सा हॉर्न शॉर्न भी लगा लेते हैं, पंगे तो पूरे करेंगे, ऐसे तो नहीं छोड़ते हैं। फ्रंट को कैसे मजीद बेहतर कर सकते हैं, ये नहीं चाहिए था हमें, ये क्या था, ये क्या, इससे क्या फर्क पड़ेगा, ये अंदर के इंटीरियर का ना हो कुछ, नहीं ये है बाहर गए, ये है बाहर गए, बाद में देखते हैं। ये क्या है, ओके इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला खास, ओके अभी हमने इसको कुछ नहीं छेड़ना, आगे चलते हैं। ओके ये क्या है, ये क्या है, ये भी नहीं चाहिए, ये क्या है, अच्छा ये मिरर्स हैं, लाइक हम अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं मिरर, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना भी टेंशन वाली बात है। ओके लोगो है ये, कोई टेंशन नहीं इसकी, लाइट किस तरह की है, लाइट भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये क्या है? अच्छा ही है इसका, इसकी भी जरूरत नहीं हमें, इसकी भी जरूरत नहीं हमें, फिलहाल ये ठीक ही है, बस एक लाइट ऊपर लगी है हमारी, तो ओवरऑल आगे देखते हैं क्या, नहीं चाहिए, पता नहीं क्या है ये, मैंने तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पता भी नहीं होगी, ठीक है। अच्छा ये अच्छा है वैसे, हाँ ये लेकिन ये इसका जो व्हील है ना वो मजे का वैसे लग रहा है मुझे, ये पहले वाले भी इतना अच्छा है नहीं, ट्राई करते हैं इसको बदल के,
बहुत अच्छे अच्छे हैं यार, बड़े महंगे हैं। कलर भी इसमें आप अपनी मर्जी का रख सकते हैं। ओके आई गेस हम ज़्यादा पैसे लगाते नहीं, जल्दी से हम ये क्या वैसे खर्च रिम, मतलब पिछले वाला भी है भाई, टायर ये क्या है इसमें, ये क्या है, अच्छा ये अच्छा लग रहा है वैसे, हाँ चलो ये रख लेते हैं। खैर अब इंटीरियर पे जाते हैं, बाहर तो मुझे कोई इतना समझ नहीं आई, बाद में देखूँगा। यहाँ इसके कलर पे भी काम कर सकते हैं, क्या ख्याल है, कलर पे काम किया जाए, कलर पे क्या कहते हो यार, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए इसके कलर के साथ। कलर वैसे अच्छा ही है, ऐसे मैं कह रहा था कि बुरा लग रहा है, लेकिन इतना बुरा है नहीं फिलहाल। एक दो लाइक डिलीवरीज करते हैं इसी कलर के साथ और जल्दी से इंटीरियर पे जाते हैं। ओके इंटीरियर पे देखते हैं क्या क्या चीज़ें ऐड हो सकती हैं, ये क्या है, ज़रूरी नहीं हमें चाहिए, कोई फर्क नहीं इतना खास, ये क्या है, ठीक है चाहिए, वो है व्हील जो होता है, नहीं है ऐसे फजूल ही है, ठीक है कोई नहीं ज़रूरत नहीं है। ओके ये क्या है, मेरे ख्याल इसकी LCD खुद की है, वो बाद में देखने अगर अच्छी ना लगी तो, इसका भी कोई पता नहीं है क्या चीज़ है, फजूल ये पता नहीं क्या चीज़ है। ट्रक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेसरीज विंडशील्ड है सेट, अच्छा विंडशील्ड सेट, कोई मुझे समझ नहीं आ रही थी कोई अच्छी, ये तो बहुत ही बुरी लगती है, लोगों ने लगाया होते हैं बहरहाल, यहाँ पे भी लटका सकते हैं बंदे को, डोंट वॉन्ट इट, नहीं चाहिए, नहीं ये क्या है, कप होल्डर है, ये क्या है, नहीं कोई मतलब दिख नहीं रहा कुछ भी इसका। यहाँ पे क्या रख सकते हैं चेयर के ऊपर अपना, फिर मैगजीन वगैरह भी रख लेते हैं गैस, क्या ख्याल है, चलो इसको रख देते हैं, पता नहीं क्या है ये, किसी को बिठा सकते हैं लेकिन नहीं किसी को नहीं बिठा सकते, मेरा ख्याल अभी ऐसा कुछ है नहीं, बच्ची शच्ची लड़की है, नहीं नहीं खैर ये अच्छा है, अच्छा हाँ रिलेशनशिप स्टेटस सिंगल टेकन, पता नहीं क्या होम स्वीट होम, वैसे बनता तो यही है फजूल चीज़। ओके नेक्स्ट क्या है, चलो अपना टेडी बियर रख लेते हैं गपशप लगाने के लिए, अपना स्लीपिंग बैग नहीं ये नहीं, वो टेडी बियर अच्छा लग रहा है। ओके थोड़ी बहुत तो मॉडिफिकेशन हमने कर ली है, ठीक है, और ये अच्छा खासा कन्फर्म ऑर्डर हमारा हो गया काफ़ी ज़्यादा। चले जी सीन सेट है, अब सबर करें भाई। ओके नाइस, देखिए जी इंटीरियर वगैरह जो भी है, मुझे पता है इस ट्रक की स्पेशलिटी क्या है, लाइक ये भी वही खड़े हैं ना आई गेस, वही तो खड़ा है अपना ट्रक भाई, क्या हाल है इनके ड्राइवर कहाँ पे, अच्छा अभी हम डीलरशिप पे खड़े हैं ना, ये भी तो है, चलो ट्राई करते एक डिलीवरी करके। और वैसे वो ई मुझे कह रहा है, मुझे लगता है मुझे सो जाना चाहिए एक दफ़ा ना, क्योंकि रेस्ट का टाइम हुआ हुआ है, यहाँ पे जगह भी है रेस्ट करने की। ओके अभी ये ट्रक थोड़ा सा कंट्रोल से अजीब सा है, तो थोड़ा रेस्ट में चले जाते हैं, और अनफॉर्चुनेटली रात हो गई, ठीक है ओके कूल, अब हम लाइट्स ऑन कर लेते हैं, अच्छा अच्छा इसके इंटीरियर में लाइट होती है मेरे ख्याल में, वो भी ट्राई करें देखें पहले, ये क्या चीज़ है, ये ट्रक डीलरशिप का ही है, ओके हाँ ये है ना थोड़ी बहुत लाइट्स हैं, इस पर हम फुल लाइट लगाएंगे यार, ये ऊपर वाली लाइट अच्छी लग रही है, लेकिन मुझे इंटीरियर लाइट का भी देखना था, इंटीरियर लाइट का देखें हम, तो मुझे भूल जाता है हर दफ़ा कि ट्रक अपग्रेड्स में इंटीरियर लाइट होनी चाहिए ना, नहीं नहीं ट्रक अपग्रेड नहीं, हमें सिर्फ वो करना है, ट्रक अपग्रेड ही करना था वैसे,
ट्रक अपग्रेड करना है यार। नियरेस्ट जीपीएस शॉप? अच्छा यार एक तो मैं हर दफा पूछा, मैं हम ड्राइव करके थोड़ा सेटिंग्स में चले जाते हैं। ओके लग कंट्रोल मजे का रख रहा है आजकल, वहां जाएंगे तो हम ट्राई करते हैं इंटीरियर लाइट ढूंढने की, ताकि जो अंदर का माहौल है वो थोड़ा मजे का लगे ना, उसके अंदर भी लाइट होनी चाहिए। जो कि मैं मेरे माइंड से निकल गया, ये देखें अभी हम। ओके ये आ गया, इसके अंदर लाइट होती है वैसे, कहाँ पे होती है मुझे कोई पता। ये क्या है, एयर फ्रेशर? ये यहाँ पे तो नहीं होती। चलो तो जो लगा हुआ वही डाल। अरे क्या इसकी इंटीरियर लाइट होती है ये? हाँ इसकी वैसे पता नहीं चलेगा। बाहर जाते हैं, बाहर जाते हैं, बाहर हो विदास। ये तो आ गया यार, इसकी इंटीरियर लाइट होनी चाहिए। या मुझे आइडिया नहीं हो रहा कि वो कहाँ से मिलेगी मुझे। ऑन भी है, ओके ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है कि अगर शायद हो भी और हमें उसका आइडिया नहीं हो रहा हो तो वो कहाँ से ऑपरेट होती है, चलती है। पर निकलते हैं बाहर ही, चेक कर लेंगे कि वो लाइट हम ऐड ऑन कर सकते हैं या नहीं। ओके फिलहाल ओके वेरी नाइस है, थोड़ी सी राइड करते हैं, घूमते फिरते हैं इसको थोड़ा चेक करते हैं, क्यों ना इसको फिर दिन में ले जाए, क्या ख्याल है? हाँ ये कर लेते हैं, थोड़ा डे टाइम में ले जाते हैं और फिर कोई एक आध डिलीवरी करते हैं, उसके बाद प्रॉपरली इसको मॉडिफाई करेंगे। जो कि मुझे इसकी इंटीरियर लाइट भी चाहिए, जैसे मेरे पिछले ट्रक की थी, बड़ी खूबसूरत लाइट थी वो। ट्राई करते शायद ये दिन में चला जाए, परफेक्ट। ठीक है दिमाग तो है फिर, अगर हम इसको एकदम चला लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली डे में चला जाएगा। चेक करते हैं कि हमें नियरेस्ट डिलीवरी कहाँ से मिल सकती है। बंदा हमारा प्रॉपर रेस्ट किया हुआ है, मैप पे हम कहाँ पे हैं इस टाइम? यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। माउंट करके देखते हैं, फिर डिलीवरी उठाने की कोशिश करते जहाँ पे अभी हैं। यहाँ से मिल जाएगा, बहुत कुछ है तो गले को पता नहीं क्या मुसीबत। ओके क्या लेके जाए, ट्रक लेके जाए? नहीं क्या लेके जाए, ये हाँ ये करते हैं चले। कहाँ भी आज कोई पता नहीं भाई, ट्रक मजेगा कसम से यार, है ना। कंट्रोल कंट्रोल अभी इतना मजे का नहीं कर रहा हो रहा है, अभी बहुत सारी सेटिंग मुझे बाद में करनी पड़ेगी तसल्ली से, ऐसे नहीं तो वीडियो लंबी हो जाती है और आप भी तंग आ जाएंगे कि आगे क्या मुसीबत है। तो हम अभी डिलीवरी उठाने जा रहे हैं। ओवरऑल बड़ा मज़े की ड्राइव है और बहुत ही तगड़ी व्हीकल है, नो डाउट। ये लग रहा है कि ये सही हैवी ड्यूटी की सब गन में बनाया, और यही एक लेटेस्ट एडिशन था जिससे हम एक डिलीवरी करेंगे और उसके बाद थोड़े से फ्री टाइम में ना मैं इसको मॉडिफाई करूँगा इस वीडियो के बाद। और वो मॉडिफाई वो नहीं, कुछ कुछ मैं अभी तुड़वाना नहीं चाहता, वैसे गलती मेरी थी, मैंने पीछे देखा नहीं। ओके वो फ्री टाइम में मॉडिफाई करके उसके बाद फिर प्रॉपरली मैं आऊँगा इसके साथ, क्या कहते हैं लाइव। यस फिर हम आपसे लाइव गपशप लगाएंगे और इसके बारे में भी पूछेंगे, जिनको तो इस चीज़ का पता है उनको तो बहुत ही पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनको भी बताएंगे कि ये क्या ट्रक है। मैं बस डिलीवरी के चक्करों में मैंने 600-700 रुपये को नुकसान कर लिया अपना, है अमीर बंदे यार भी फर्क नहीं पड़ता। इस ट्रक को ज़रा टेस्ट करने के लिए कि ये डिलीवरी के लिए टाइम इसका क्या बिहेवियर रखा है, लेकिन आवाज़ कितनी मज़े की है, फुल मज़े की।
पास ही है अभी यहाँ से हमारी, मतलब फोर्ट है ये भाई। ट्रक की स्पीड है इस जगह, ट्रक हैवी ले लिया हमने, स्पीड यहाँ पे है कोई नहीं। ओके ये ट्रक बढ़िया आपका, मॉडिफाई करेंगे, टाइम से ना लगे, लाइटें शाइटें लगाएंगे इसको अपनी मर्जी की। मुझे खासकर इंटीरियर लाइट चाहिए और कुछ मोड्स भी अपनी मर्जी के ऐड करेंगे, ये कैसा चलता है कैसा रहता है। सो बस इसको एक दफ़ा हम एक छोटी सी डिलीवरी करें और उसके बाद देखते हैं कि हमारा ट्रक क्या कैसे बिहेव करता है, हमने सही इतने पैसे लगाए या नहीं। ओके यही हमारी डिलीवरी है, हमें इसी को पिक करना है कहाँ पे कोई पता नहीं, वो सामने खड़ी है मेरे को, हाँ यही सामने ही नज़र आ गई। ये थी हमारा पिकअप पॉइंट है, ये वाली चीज़ उसका इधर से लगाना है, इसको आगे से पिक करना, बिल्कुल आगे से पिक करना, हाँ आगे से इसको टो किया जाएगा। कूल, तो ये हमारे ट्रक के साथ, इस वाले ट्रक के साथ ये हमारा पहला पहला, इतने पैसे लगाए, पैसे तो कमाने चाहिए ना, हो जाएगी कि नहीं, दोबारा रिवर्स करना पड़ेगा, हो जाएगी मेरा ख्याल ये। ड्राइवर तो बढ़िया है, ये तो आपको पता है, कपलिंग हो रही है, कपलिंग। चले जी अब चेक करो ट्रक क्या क्या लग रही है सिचुएशन, कमाल। फोटो खींचेंगे, टेंशन ना लो, फोटो हम सेल्फियां बनाएंगे, कुछ अच्छी जगह से गुजरेंगे ना जरूर वो बनाएंगे। तो ये छोटी सी डिलीवरी है आई गेस 10 मिनट की, तो जब हम के पॉइंट पे पहुंचेंगे और रास्ते में कोई ना कोई अच्छी जगह आएगी तो हम ज़रूर फोटोज़ बनाएंगे। और फर्दर ये कि जब लाइव जाएंगे ना फिर आप लोगों से डिस्कस भी करेंगे इसके रिव्यूज़ भी, कि ये है क्या चीज़। हर बाकी ओवरऑल मीटर बड़ा खूबसूरत है, नहीं तो ट्रक का मीटर इतना अच्छा होता नहीं, या मुझे इतना आइडिया नहीं, वैसे स्पीडोमीटर अच्छा है, खूबसूरत है, कलर्स है, बोर नहीं लग रहा। तो बस यहाँ से जंगल पंगल जगह से गुजर के ना, और उसके बाद फिर हम जाके इसके फोटोज शोटोज बनाएंगे। पर लाइटिंग चल रही है दिन के टाइम, हमने पहले दिन ही इस पर इतना खर्चा किया है, इससे थोड़े पैसे तो कमाए ना, पैसा इतना लगा दिया इस पे, थोड़े से पैसे कमाना तो हक बनता है हमारा। तो पैर निकल पड़े, छोटा सा डिलीवरी है, एक ज़्यादा दूर नहीं जाना हमने, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। रास्ते में थोड़ी बहुत सेल्फियाँ लेंगे और थोड़ा सा इंटीरियर को मज़ीद एनालाइज करेंगे, क्या चीज़ है ये, वर्थ इट है, पिछले ट्रक से बहुत डिफरेंट है, वो भी बहुत खूबसूरत ट्रक है हमारा, लेकिन वो इतना हैवी ड्यूटी मुझे लगता नहीं। इस पर हम पता क्या ट्राई करेंगे रात को, आज सबसे पहले हम इस पर ट्राई करेंगे बहुत ही हैवी किस्म की डिलीवरी, वो जो एक पैटलर किस्म की स्पेशल ट्रांसपोर्ट होती है ना वो वाली, इसके ऊपर हम छोड़ देंगे, टेंशन नहीं लेनी, इसका हम फुल सत्यानाश करेंगे, इसको चेक करेंगे कि इसमें हमारी चीज़ें डिलीवर करने की कैपेसिटी है कि नहीं। आई होप सही होगा, इतना अच्छा लग रहा है, बढ़िया है, पावर भी बहुत ही बढ़िया है। इसको अभी टेस्ट के मराहल में ये अभी है, ये हम इसको रखेंगे या बेच देंगे। अब ये कि हमें एक गैराज खरीदना चाहिए, ये मैं नहीं चाहता कि जो हम ट्रक नया खरीदें उसको हम रिप्लेस करें पुराने ट्रक के साथ, नहीं ये नहीं, मज़ा नहीं आता इससे, ट्रक सारे अपने होने चाहिए यार, बेचना नहीं है अपना, हमने अब जो भी ट्रक आएगा नया वो हमारी गिराज में जाएगा। यस उसको कर लेंगे अपग्रेड, गिराज में तकरीबन में भी 5-7 ट्रक आ ही जाते हैं, 5-7 ट्रक मीन्स कि हमारे पास वो 5-6 लाख की मट्टी होगी है, 5 लाख पाउंड, वाह वाह, क्योंकि उससे ज़्यादा ही महंगे होते हैं तो बहुत ज़्यादा, बिल्कुल ये सबसे मेरा महंगा ट्रक है इस टाइम का। एक तो मेरे गले को पता नहीं क्या मुसीबत हुई,
ये करेंगे हम, नहीं सेटिंग बाद में करेंगे, अभी सिर्फ डिलीवर करेंगे क्योंकि आई डोंट वांट कि हम उसको फिलहाल किस तरह के पंगे करें इसके साथ। एक तो स्पीड नहीं मारने देते, इसकी टॉप स्पीड चेक करने का मौका नहीं दिया। जब तो करें इसकी टॉप स्पीड है क्या? ये कंट्रोल मजे का, बड़ा स्मूथ है, बहुत स्मूथ है। अभी मैंने इसकी सेटिंग की थी वैसे उस तरीके से, लेकिन जिस तरह ये अभी चल रहा है 300 सूट। इंटीरियर पे थोड़ा सा मुझे काम करेंगे, चीज़ें ऐड ऑन करेंगे, लाइटें शाइटें ऐड ऑन करेंगे, और अगर आपको कलर पसंद है ठीक है, तो वैसे हम इसका कलर भी चेंज कर देंगे। यस, यहाँ की टॉप स्पीड 90 है विच इज़ ग्रेट। अब 90 स्पीड कभी कभी मिलती है सर्च। है ना मजे का, और टॉप स्पीड पे ऐसे मिनटों में गया ये स्पीड पे। चेक करें आप, छोटी सी डिलीवरी है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं क्योंकि अब हम आ गए हाईवे पे, यहाँ से बस चंद मिनट लगेंगे और हम पहुँच गए। इस गले को कटवाने का प्लान कर रहा हूँ वैसे बहुत जल्दी। वो नहीं होती मेरे से सी करती। ये जगह वैसे अच्छी है, मेरा सेल्फी ली जाए मेन रोड पे खड़ा करके लोगों को तंग करके। नहीं, लगना लुगना नहीं कहीं, मज़ा तो फिर ही आता है जब लोग तंग हो रहे हो आपसे। ऐसी क्यों क्यों क्या दुनिया जिसमें लोग ही तंग ना हो। हाँ ये अच्छी जगह वैसे ना। ये देखिए अभी हम इसको सेल्फी मोड में ले आए हैं, बहुत सारे लोगों को पता होगा इस मोड का, इसमें आप अपने ट्रक के फोटो शोटो ले सकते हैं। ठीक चलो वाइड जाते हैं, फिर हम टाइड जाते हैं, और फिर हम थोड़ा सा मौसम बदलते हैं, क्या ख्याल है? मजे का नहीं है ना, बारिश करवा के देखें। ये अच्छा है वैसे। ओके नहीं इतना वो नहीं है कोई, लाइक जगह इतनी मजे की नहीं मुझे लगी। ठीक है सर, तो ट्रक थोड़ा अगर मुंह इसका इधर कर दे, जैसे ट्रक का फेस थोड़ा इधर करते हैं, ऐसे कर ऐसे कर, फिर कैसे रहेगा? ऐसे कर, फिर इसकी सेल्फी लेने का क्या मजा नहीं आएगा? बनता है भाई, एक तो हेडफोन्स में ना बस कानों का सत्यानाश हो जाता है। ये देखिए अब, ये देखिए अब अच्छा लग रहा है। ठीक है अब इसको थोड़ा सा पीछे करके हम फिर आगे जाते हैं। ये देखिए ओके कूल, बस बहुत हो गया। ठीक है बस निकलते हैं। ठीक है लोग गालियां दे रहे पीछे जो गाड़ियों वाले खड़े हैं कि मनहूस ये क्या कौन सी जगह है होटल बनाने की, बस हम निकलते हैं यार। इसको डिलीवर करते हैं अपने सामान को, और उसके बाद प्रॉपरली हम चीज़ों को तसल्ली से बैठ के मैं इनको देखूंगा कि इसमें कौन कौन से एक्स्ट्रा ऑप्शंस हैं, फीचर्स हैं, फिर उनको हम लैब के अंदर एक्सप्लोर करेंगे। इसमें रेडियो भी होगा ना? रेडियो तो होता है नॉर्मली, पता नहीं शायद मैंने कभी सुनने की कोशिश नहीं की, वैसे होगा इसमें। सारे ऑप्शन देखेंगे लेकिन लाइव पे आके। फिलहाल बस ये हमने इसको ख़रीदना था, तो मैंने कहा ख़रीदना जो है उसका प्रॉपर गेम प्ले होना चाहिए, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं और आप लोगों से शेयर करते हैं। और इसका फर्स्ट लुक, फर्स्ट एक्सपीरियंस इज़ रियली कूल, मुझे पसंद आया बहुत ज़्यादा। और फर्दर ये कि इससे जब 1-1.5 घंटे की लाइव करेंगे, डिफरेंट डिलीवरीज करेंगे, और मैं चाहता हूँ मैं से थोड़ी हैवी डिलीवरीज करूँ लाइक स्पेशल ट्रांसपोर्ट की, फिर इसकी आइडिया होगा कि ये कितना बर्दाश्त है इसके अंदर में।
वो जो मेरा पिछला ट्रक था ना वोल्वो वाला, वो लाइक जो हैवी ट्रांसपोर्ट आती थी वहाँ पे उसकी बस बस हो जाती थी बेचारे। तो हम अपनी ट्राई करेंगे कि इसके साथ क्या हाल होता है। लग तो अपेरेंटली तो लग रहा है कि बड़ा वीआईपी है, बड़ा तगड़ा ट्रक है और स्मूथ है बहुत ही ज़्यादा, राइड बहुत ही स्मूथ है इसका। तो फर्दर मोर डिस्कवर करेंगे हम इसको, क्या कहते हैं उसके, टाइम के साथ जब हम लाइव आएंगे। और मैं थोड़ा सा तसल्ली से जब इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगा मैं, उसके बाद फिर मैं देखूँगा, अभी खुद से ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने की ट्राई करेंगे। फिलहाल टूल प्लाजे पे आ गए हम और नया लगे साथ उसके साथ में लगे भाई साथ टोल प्लाजे पे आ गए, टोल पे करेंगे और निकलेंगे यहाँ से। वो हमारा टेडी बेयर नज़र आ रहा है आपको, ये देखो वो पड़ा है, ये चेक करो आप ये वाला व्यू कैसा बनेगा सेक्सी। तो ओवरऑल गड्डी मज़े की है यार, और थोड़ी देर में हम अपनी उस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे जहां हमने इसको डिलीवर करना है। तो फिलहाल भगाते हैं आंखें बंद करके, 90 से ऊपर नहीं मेरे ख्याल जाता क्योंकि टॉप स्पीड वहीं पे रुक जाती है, टॉप स्पीड 90 है विच इज आई गेस गुड ना, ये इसकी हाई स्पीड कह लो, हाईवे पे हम इस टाइम हैं। नॉर्मली मुझे 90 कभी मिलती तो नहीं है, मैक्सिमम 80 होती है। हाँ ये टॉप स्पीड है इसकी यार, जो कि अच्छी स्पीड है, लग अच्छी रही है और इंटीरियर भी अच्छा है यार। साथ कोई बैठने वाला होना चाहिए ना जिससे बंदा गपशप लगा सके, साथ वाली चेयर मेरे ख्याल होगा सही, होगा सही, कोई नहीं ऐसा सीन हम ज़रूर रखेंगे, ये वाला सीन हम ज़रूर रखेंगे, ये वाला सीन डोंट वरी, हम ढूंढेंगे एक्सप्लोर करेंगे साथ अपना कंपेनियन। और मेरे ख्याल हमने यहाँ से मुड़ना है, हमने यहाँ से मुड़ना है, यहाँ से मुड़ना है, यहाँ से मुड़ना है, यस ओके। यहाँ से मुड़ेंगे, थोड़ा सा सफ़र रह गया, उसके बाद हम इसको एंड करके तसल्ली से इसको हम चेक करेंगे, उसके ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे प्रॉपर तरीके से, फिर आपसे हम गपशप लगाएंगे इस वाले सीन में। तो भाई ये तो मैंने नहीं चलाए थे, मैंने कैसे चल गया, चेक करो हमारे साथ और भी ट्रक यार, सब ने तो नहीं ये ख़रीद लिया कहीं, ये हमने लिया और सब ने ये ख़रीद लिया, ये क्या लेके जा रहा है, वो क्लिफ्टर नहीं जा रहा भाई, किधर जा रहे हो, किधर जा रहे हो, एक से ज़्यादा स्पीड है बाइक की, चल पीछे भगा लें हम फिलहाल, मैंने बहुत यकियाँ कर ली इधर उधर घूम के, और हम चाहते हैं कि इसको हम इसकी डेजिग्नेटेड प्लेस पे पहुँचाएँ ताकि हम इसके ऊपर फर्दर काम कर सकें। ट्रक तो बढ़िया है, ट्रक बढ़िया है भाई, नो डाउट, इसलिए मैं मारना नहीं चाहता इसके ऊपर, कोई ना कोई ऐसे ही रास्ते में ठोक दूँ किसी भी चीज़ से, वो नहीं मैं बिल्कुल भी चाह रहा अभी फिलहाल। तो आगे फिर टोल प्लाजा आ गया, तो 90 से ऊपर जाती है स्पीड लेकिन काफ़ी टाइम बाद, पर टाइम लग जाता है। उधर ना कहाँ से है, यही सब मिल जाता है ओके, ये रहा इस पे लाइट्स ऐड करते हैं बस, ये हो गया, उठा ले अपना डंडा। ओके ये क्या है, ओके भाई बस थोड़ा सा रह गया सफ़र हमारा, और अभी हम यहाँ से लेंगे फिर एक टर्न, यस राइट पे आ जाते हैं, बाद में ट्रैफिक फंस जाती है और टर्न लेना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ से हम लेंगे टर्न, यही वाला मेरे ताला, यस भाई बहुत स्मूथ है कसम से, बहुत ज़्यादा स्मूथ है, और हैंडलिंग एंड ब्रेक हर चीज़ मज़े की है। मुझे लग रहा था ये उलट जाएगा मेरे से लेकिन बच गया, असल गया भाई, इतना खर्चा क्यों किया हमने,
ऐसे किस लिए कमा रहे थे? इसी के लिए तो कमा रहे थे। 50 ना किया, अगर उस स्पीड मुझे गुस्सा आया तो 50 में मनहूस स्पीड, 50 की भी स्पीड है भाई, अभी तक 50 ही है। और शुक्र है 80 कर। बस जी तकरीबन 5 मिनट का हमारा सफ़र है और लेस देन 5 मिनट आई गेस, और उसके अंदर ही हमने आगे सीधे जाना है टाउन रोड से। तो हमारा ये ऐसी टेस्ट ड्राइव जो इसकी है कह सकते हैं, फिलहाल तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। मैं मन कर रहा है कि मैं जल्दी से लाइव आऊँ, प्रॉपर तरीके से प्रॉपर मॉडिफाई करने के बाद आऊँगा लाइव, और माइट भी आ जाऊँगा या सुबह आऊँगा ये पता नहीं, कल दिन में शायद। फिर हमने अपना एक अमेरिकन ट्रक भी खरीदा, उसमें भी लाइव हो, या हमारे अपना कंट्रा बैंड वाला चेक पोस्ट वाले में भी लाइव आना। भाई इतने सारे लाइव मैंने करने, बारी बारी करूँगा, एक दिन एक एक लाइव, यस बस एक दिन एक ही लाइव करवाया करेंगे हम। हमारा रह गया सिर्फ 2 मिनट का सफर टोटली। तो स्पीड से है 90 यार, स्पीड इंतहा की स्पीड है 90, बहुत मज़े की स्पीड है खासकर ट्रक के लिए। तो बस ये देखिए वो हमारा पॉइंट पहुंच गया वहाँ पे, हम इसको तो हम गायब भी कर दें, इसकी ज़रूरत नहीं है। कहाँ से मुड़ना है, लेफ्ट जाना है? ओके भी मेरे में लगे लगे ना, मैं बता रहा हूँ पहले, कोई मूड नहीं किसी में लगने का। तो खैर यार हम पहुँच गए मेरे ख्याल, ये हमारा डिलीवरी पॉइंट आ गया, हम ये घुस गए। वाह वाह वाह, अच्छी जगह है, यहाँ से फिर मुड़ना होगा मेरे ख्याल, यहाँ से फिर मुड़ना है। और चक लो डंडे अपने, ये देखो वाला, ओके। तो ये ट्रक ओवरऑल इंतहा का मज़े का है, और पावर बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तगड़ा ट्रक है, इंटीरियर मज़े का है, ठीक है। ये देखें आपको थोड़ा सा, ये देखें इंटीरियर भी मज़े का है, और ये मेरे ख्याल क्या रेडियो है अपनी क्या है, उसको देखना पड़ेगा बाद में देखेंगे। तो स्टीयरिंग, स्टीरियो सिस्टम, सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे आज, उसके बाद प्रॉपर तरीके से जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आपको बताऊंगा भी क्या क्या चीज़ें थी और क्या क्या चीज़ें हम इसमें मज़ीद फर्दर ऐड करेंगे अपने मोड के साथ। तो आज की वीडियो में इतना ही यार, बस ठीक है, मिलते हैं जल्दी सुबह या कल या आज या परसों तरसों। तो फिलहाल के लिए बाय बाय।